कल हमारे घर में कुछ रिलेटिव्स आए, तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग आए हो और खाने का टाइम भी हो रहा है, तो क्यों ना खाना खा के जाओ। बोले, बेटा खाना बना ही रही हो तो बिना प्याज लहसुन वाला बनाना। फिर क्या था, मैंने सोचा ये लोग अपने घर पर रोज़ रोज़ की सब्जियाँ तो बना के खाते ही हैं, कुछ अलग हटके बनाती हूँ। फिर मैंने एक पैन लिया, उसमें सरसों का तेल गरम किया और एक लाल मिर्च, एक तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची, दो लौंग, कुछ काली मिर्च के दाने और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल के मैंने इन सभी खड़े मसालों को भून लिया। भूनने के बाद मैंने डाली 1/2 टेबल स्पून मकरानी राई यानी कि छोटी वाली राई, 1/2 टेबल स्पून जीरा और थोड़ा सा हींग पाउडर, उसको भी मैंने भून लिया डालकर। फिर उसके बाद कद्दूकस किया हुआ अदरक और कुछ चॉप की हुई हरी मिर्च डाल के इसको भी मैंने भून लिया। भूनने के बाद 4 बड़े टमाटर पीस कर मैंने उनकी प्यूरी तैयार कर ली है और उसे इसमें डाल दिया है। और फिर इसे चलाते जाएंगे लगातार, और इसे जब तक चलाना है जब तक ये ऑयल ना छोड़ जाए। जब तक हम इसे चला रहे हैं तब तक मेरी एक मेन बात तो रह गई, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेंगी। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और फिर इन सभी को डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसे चलाते रहेंगे 2 मिनट तक। अब ये अच्छे से भुन गया है हमारा। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून डाला है फिटा हुआ दही। दही डालने के बाद भी इसको लगातार चलाते रहेंगे और ये ऑयल छोड़ गया है। इसमें हमने डाले हैं कुछ करी लीव्स और फिर इन्हें भी भून के इसमें मैंने डाला है पानी। 1 गिलास के करीब पानी डाल दिया है इसे मैंने, और इसे लगातार चलाएंगे जब तक इसमें बबल्स ना आने लगे और अच्छे से ये पक ना जाए पानी। अब ये हमारा अच्छे से पक चुका है, इसमें हमने डाला है 1 गुड़ का टुकड़ा। इसे गुड़ के टुकड़े को मेल्ट हो जाने के बाद इसमें डालेंगे हम सेब। आप सेब चाहे कोई से भी ले सकते हो, यहाँ मैंने ऐसे वाले सेब लिए हैं। और फिर इन सेबों को डालने के बाद भी 1 मिनट तक इसे चलाएंगे लगातार, और धनिया पत्ती से गार्निशिंग करके सर्व करेंगे। आप खाइए और दूसरों को खिलाइए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप खाइए और दूसरों को खिलाइए।